श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं पञ्चचत्वारिंशः सर्गः प्रातःकृताग्निकानां विश्वामित्रादीनां गङ्गामुत्तीर्य विशालानगरीं प्रति गमनं विशालाधिष्ठितराजवंशावृत्तान्तं पृच्छते रामाय विश्वामित्रस्य तदुपोद्धाततया क्षीरोद्धतिमतनवर्णनम्

संवृत्तेयम् परन्तप इमाम् चिन्तयतः सर्वाम् निखिलेन कथां तव साशा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिना सह जगा चिंतान से विश्वामता शुभा तत प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं मरिंदम गता भगवती परमाद्भुतं तरामसरितां श्रेष्ठां गम्यापदगा नदी नौरेशा ही सुख स्तीर्ना ऋषीण पुण्यकर्माण भगवत प्राप्त तस्य तद्वचनं राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्षि संघस्य कौशिकः उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सगराघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्ग गोप तदा अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीं का, का, uh, कतमो राजवं श्रोयं विशालायां महा विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते परं कौतूहलं हि मे

तत्वेन पूर्व पूर्वं आदि पुत्र महाबला अदितेश अधिते, महाबागा वीरवंत सुसुधा ततस्तेषा नर व्याग्र बुद्धिरासी महात्म अमरा कथम निरामयाः तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासि द्वि द्विपत, द्विपत् पश्चितां क्षीरोधमतनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै ततो निश्चित्यमतनं योक्त्रम् कृत्वा च वासुकिं मन्तानं मन्दरं कृत्वा मम

उत्पपाताग्निसङ्काशं हालाहलमहाविषं तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम् अत देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्रातित्राहीति तुष्टुवुः देवे, प्रभुरा प्रादुरा ची प्रादुरासी तथ्रंखचक्रधरो हरि उचनम स्मृत रुद्रम शूलधर हरि देव मथ्यमेतु यदूर्व स तत्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणाम् अग्रतो हि यत् अग्रपूजामि हस्तित्वा गृहणे गृहाणेदं विषं प्रभो इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तर्धीयत देवतानां भयं श्रुत्वा वाक्यं तु हालाहलं विषं घोरञ्च संजह संजग्रह मृतोपमं देवान विसृज्य देवेशो जगम भगवान हरः ततो देवासुर सर्वे ममन्थुर गुणन्दन प्रविवेशात् पातालम् मन्तान पर्वतोतमः ततो देवा सगंधर्वस् तुष्टुवुर मधुसूदनं त्वं गत्यस्वं गति सर्वभूतानां विशेषेण दिवोकासान पालयास्मान नपालयास्मान महाबाहो गिरी मुद, मुद्धमु

ममन्तपुरुषोत्तमः अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उदतिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च अप्सराशु वर्चस अपसुन निर्मथना देव रि उपेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्त असोव ष्टिकोट्योव अभव अम सु वर्चस असंकेयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः न तस्मा प्रतिग्रिन्नन्ति सर्वेते देव दानवाः अप्रतिग्रहणा देवतावै करुणस्य वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पात महा मार्गमाना देते दिते पुत्र नाम राम जगृ जगृह जगृहवरुणात्मज वीर जगृहु जगृहस्तामनिन्दिताम् असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेनादिते सुताः हृष्टा प्रमुदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणासुराः उच्चैश्वरा उच्चैश्रवा हय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभं उदतिष्ठन् नर श्रेष्ठ तथैव अमृतमुत्तमं अत कृते राम महानासीत् कुलक्षयः अदितेस्तु ततः तत पुत्रतिपुत्र नोधय एकमगमन असुराक्षसुद्धमासी महाघोर वीरत्रैलोक्य मोहनम यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत् तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीं ये पुरुषोत्तमं सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना अदितेरात्मजा वीरादिते स्पुत्राणि ज निज 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 ग्री निज ग्रीरे अस्मिन घोरे महायुद्धे दैत्याधित्योर् ब्रशम् निहत्यादिति पुत्राः प्राप्य पुरंदरः दरहः शशासमुदितो लोकान् सर्शीर्संगं सं, सचारणान् इत्याशेष श्रीमद् रामायणे यन्ते वाल्मीकि ये आदि का ये बाल कांडे